आज फिर ओवरलोड गन्ने के लदे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला व बच्चे की छीन ली जिंदगी। लखीमपुर खीरी में ओवरलोड वाहनों के चलते निरंतर होने वाले हादसों का कहर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पलिया थाना के अंतर्गत ग्राम तिलकपुरा का मामला, महिला पति बच्चे समेत अपने घर जा रहे थे, पीछे से यमदूत बनी ओवरलोड गन्ने की ट्रक ने महिला व बच्चे को कुचल कर निकल गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यदि शासन ओवरलोड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है तो कितनी जाने जाएगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लोगों का आरोप कि संभागीय परिवहन विभाग व पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने रहते। लखीमपुर खीरी से जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकील की रिपोर्ट। तिलकपुरा से मेरे पिता का नाम शोभन है, मेरे छोटे भाई की वाइफ उधर से रमवापुर से आ रही थी, बाइक मतलब पे सवार थे और ओवर ट्रक ने गन्ना भरा ट्रक पीछे से मतलब टक्कर मारी, जिससे छोटे भाई की वाइफ ख़त्म हो गई, 5 महीने का बच्चा ख़त्म हो गया। मैं सर इतने ही जानता हूँ। अतुल, मेरा नाम अतुल गुप्ता है और हमारे पापा का नाम है राजेंद्र कुमार गुप्ता। मैं यहीं लखीम आवाज़ विकास का रहने वाला हूँ और मेरा गांव पड़ता है निगासन के पास में, बल्लीपुर कला। उधर मेरा आना आते रहते हैं हम लोग हैं, लेकिन उधर अक्सर देखते हैं कि उस रोड के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ इस ऐसे हादसे होते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि वहाँ पर जो ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो चलते हैं, बड़े बड़े ट्राले, वो उनका उस सड़क के ऊपर बिल्कुल अपने मन से चलते हैं। उनको ओवरटेक करना है तो वो अपने मन से करेंगे। अगर आप पीछे से हॉर्न दे रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि इसमें जो ये भयंकर जो सर्द हवाएं जो चल रही हैं, भयंकर जो ये हो रहा है, पाला गिर रहा है, इससे भी हादसे का सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन ओवरलोडिंग का जो एक जो मुद्दा है, इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन इसके ऊपर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सब बिके हुए हैं। इसमें आप जहाँ भी देखिए ओवरलोडिंग का खेल बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। आप ट्रक देखिए कि ट्रकों की चीटें झूलने वाली हैं।